हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। कल यानी मंडे 15 जनवरी भाई साहब बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस दिन या तो हिस्ट्री रिपीट होगी, रिक्रिएट होगी, या फिर एक ऐसी हिस्ट्री लिखी जाएगी जो भाई सक्सेस 2023 में तो मिली थी लेकिन यहाँ पर मजाक बन के रह गए। या दोस्तों सिद्धार्थ आनंद ये अपनी मोस्ट मच अवेटेड मूवी फाइटर के ट्रेलर के साथ कल फटने वाले हैं, जिन्होंने 2023 की शुरुआत पठान जैसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर धमाकेदार फाड़ मूवी के साथ करी थी, जिसने इंडियन सिनेमा में बहुत कम समय में 1000 करोड़ को कंप्लीट किया था और नंबर वन मूवी थी जिसने 2023 में 1000 करोड़ टच करके गई थी। और इनका ट्रेलर जब स्टार्टिंग में ही फटा था भाई, पहले 24 घंटे में ही 27.73 मिलियन व्यूज लेकर आया था, जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट व्यूज है उस साल के मुताबिक अगर देखें तो। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें कल सिद्धार्थ आनंद दोबारा से रिपीट रिक्रिएट करने वाले हैं। कितना एक्साइटमेंट है, क्या है भाई, कितने बजे ये ट्रेलर हमें देखने को मिल जाएगा, उसके बाद ट्रेलर की लेंथ क्या होने वाली है, पठान से क्या ये कंपेयर कर सकते हैं, मतलब पठान का जो ट्रेलर फाड़ के गया था क्या वैसी आगे फाइटर का ट्रेलर फाड़ के जाएगा, क्योंकि ऋतिक रोशन इसमें मेन स्टार पे हैं, तो क्या उससे भी भयंकर कमाई इसमें देखने को मिलने वाली है। सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे लेयर बाय लेयर, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई साहब बस एक दिन और कल हमें 15 जनवरी यानी कल दोपहर 12 बजे हमें फाइटर का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए भाई फैंस काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन कोई भी ऐसे ऑर्डिनरी स्टार नहीं है भाई, दमदार स्टार है जो कम समय पर आते हैं और जब भी आते हैं फाड़ के कंटेंट लेके आते हैं। तो कल भाई 15 जनवरी यानी 12 बजे को हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, जिसकी लेंथ है 3 मिनट 23 सेकंड। देखा जाए तो लेंथी ट्रेलर है, क्योंकि अभी लेंथी ट्रेलर में ही दो सिनेरियो हमें देखने को मिले हैं। लाइक एनिमल मूवी का जब ट्रेलर आया था वो भी लेंथी था, लेकिन उस ट्रेलर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता नहीं चला, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने जिस हिसाब का उसमें विजुअल दिखाया था, जिस हिसाब से लोगों को कनेक्ट किया था, वो चीज़ एक जादूगर के हिसाब से वांगा साहब ने करी थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत नील ने सालार का ट्रेलर जब निकाला वो भी लेंथी था, लेकिन भाई साहब बिल्कुल भी हिट करके नहीं गया था। दैट्स वाई कि वहाँ सालार की जो है टचअप, जो पहले से ही एक बूस्टर होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, वो वहाँ कम देखने को मिला था। तो भाई ट्रेलर लेंथी है, सिद्धार्थ आनंद अगर इसमें नाम जुड़ रहा है तो पठान से हमने इसका फीडबैक ले रखा है, क्योंकि पठान का जो ट्रेलर आया था भाई तबाही मचा के गया था, तो हो सकता है हमें वहाँ से कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। बजट अगर मैं बताऊँ इस मूवी का फाइटर का, तो 250 करोड़ के बजट में इस मूवी को कंप्लीट करा गया है। क्या वही चीज़ दोबारा से रिपीट होने वाली है, क्योंकि 250 या 300 करोड़ के आसपास भी पठान को कंप्लीट कराया गया था, यही इसका बजट था और 1000 करोड़ मूवी ठोंक के गई थी। तो क्या फाइटर भी ठोंक के जाएगी भाई, पोटेंशियल लग रहा है, क्योंकि अनिल कपूर भी है भाई, बड़े बड़े चेहरे हैं, दीपिका पादुकोण एंड ऋतिक रोशन तो हमारे मेन लीड पे हैं, तो मे भी एक बार के लिए पॉसिबल लगते नजर आ रहा है। दोस्तों कंपैरिजन बेस पर बोले पठान के ट्रेलर से, तो भाई जब ट्रेलर आया था पठान का तो उसने पहले 24 घंटे में ही 27.73 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए थे और अराउंड 1 मिलियन के आसपास उन्होंने लाइक्स ले लिया था, तो भाई ट्रेलर को बहुत प्यार मिला था। और लाइफ टाइम मैं कलेक्शन व्यूज के कलेक्शन के मामले में बताऊं तो 100 मिलियन व्यूज पठान का ट्रेलर गेन कर चुका है और 2.4 मिलियन लाइक्स ये अपने खाते में ले चुका है। तो क्या भाई साहब पठान फाइटर का भी ट्रेलर क्या इतनी आग फाड़ पाएगा, उस ट्रेलर के रिकॉर्ड को तोड़ डालेगा जो 24 घंटे में 27 मिलियन लेके बैठा पड़ा है, क्या 28 मिलियन कर जाएगा, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर, क्योंकि टीजर बहुत बहुत फाड़ हुआ था भाई साहब। तो बात अगर करें कि भाई कलेक्शन के बेस पर, क्योंकि ब्लॉकबस्टर मूवी का हिट देना है, ऐसी एक्शन मसाला मूवी का अगर तय करना है कि भाई ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट एरियल शॉट मूवी है और पूरी हवा हवाई वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक बार के लिए बोला जा रहा है कि टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक की कॉपी हो सकती है या फिर उससे मिलते जुलते भाई साहब सीन हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर उससे मिलता जुलता मोटिवेशन भी है तो भाई साहब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई बॉलीवुड कम से कम स्टार्ट तो कर रहा है और ये चीज़ भाई ज़बरदस्त है, और मैं खासकर इस मूवी के लिए काफ़ी वेट कर रहा हूँ, इस ट्रेलर के लिए भी वेट कर रहा हूँ। बात करें भाई साहब कितना कलेक्शन ये मूवी कर सकती है, तो भाई 1000 करोड़ का टच कर सकती है, कहना जल्दी हो जाएगा, कल ट्रेलर देखते हैं उसके बाद तय करेंगे कि कितना ये कलेक्शन कर सकती है। सिद्धार्थ आनंद दोबारा से हिस्ट्री रिपीट रिक्रिएट करने वाले हैं, क्या पठान की तरह 1000 करोड़ टच करेंगे नहीं करेंगे, क्या 24 घंटे में ये 30 मिलियन क्रॉस कर लेगा, क्या पठान के ट्रेलर के 24 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, पठान का ट्रेलर जो 100 मिलियन व्यूज लेके बैठा है लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, क्या इसके रिकॉर्ड को ये तोड़ देगा भाई साहब, ये सारी चीज़ें कल पता चल जाएगा। तो आप लोगों का क्या कहना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।